हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दिस इज़ विमांशा चौबे। मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे ट्रायल एंड टेस्टेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक, स्पिरिचुअल मंत्रास, सबलिमिनल्स, एंजल लंबोज एंड स्विच वर्ड के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे निगेटिविटी आ गई है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करनी है, राइट? इसके लिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा हीलिंग प्रेयर शेयर करने जा रही हूँ जिसके हेल्प से आपके रिलेशनशिप में कैसी भी प्रॉब्लम हो या आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करनी हो, उसके लिए वो प्रेयर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। सो बेसिकली उस प्रेयर को हम होनोपोनो प्रेयर कहते हैं। होनोपोनो प्रेयर जो होता है वो अपने में ही एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल प्रेयर होता है। इस प्रेयर से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम बेसिकली फॉरगिवनेस प्रेयर भी कहते हैं और सेल्फ हीलिंग प्रेयर भी कहते हैं। इस प्रेयर से हम अपने किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे हेल्थ पे प्रॉब्लम हो, हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो, हम अगर मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट फील कर रहे हों या हमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम से हम डील कर रहे हों, हम उन सारे केसेस में इस प्रेयर को यूज़ करते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप पूरे बिलीव के साथ और पूरे फेथ के साथ इस प्रेयर को करते हैं तो ये आपको एक मिरेकुलस रिजल्ट शो करता है। नाउ, रिलेशनशिप डज नॉट मीन्स कि रिलेशनशिप से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो। रिलेशनशिप में वो हर एक रिलेशनशिप आता है, लाइक अगर भाई बहन का रिलेशनशिप, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप, इन लॉज से हमारा रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों में अगर हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है या हम किसी तरीके से किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो उन सारे केसेस में हम इस होनोपोनो प्रेयर का यूज़ कर सकते हैं और हमें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। बेसिकली अब ये प्रेयर है क्या, ये प्रेयर हमारा जो है, इस प्रेयर को हम फॉरगिवनेस प्रेयर भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। इस प्रेयर से हम अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, क्योंकि आज का टाइम क्या हो गया है, आज के टाइम में हम चाहते हैं कि हमसे वो भी प्यार करे, हमसे वो भी हमसे अच्छे से रहे, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हम मेंटली बहुत अच्छे हो, बहुत ही स्ट्रांग हो। लेकिन इन सारे चीज़ों को करने में बेसिकली हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुद की भी हीलिंग करनी होती है, ठीक है, हमें अपनी हीलिंग पे भी वर्क करना पड़ता है। सो ये प्रेयर क्या करता है, ये प्रेयर हमारी सेल्फ हीलिंग करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपने ये शेयर किया है कि हम सब इस दुनिया में जो भी आए हैं वो सब एक एनर्जी है, हम सब एक एनर्जी हैं। आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हूँ, हर कोई एक एनर्जी में फॉर्म में है। जो आपकी थॉट है वो मेरी थॉट है, जो मेरी थॉट है वो आपकी थॉट है। तो इसी फॉर्मूले पे ये प्रेयर वर्क करता है कि अगर मैं खुद की हीलिंग करती हूँ तो डेफिनेटली मेरे से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनसे मेरा रिश्ते की भी हीलिंग होती है। लाइक अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी हीलिंग करूँगी, अपने साथ ही साथ मैं अपने पार्टनर की भी हीलिंग करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाए, मेरे पास पैसे आए, मैं प्रॉब्लम ना फेस करूँ, उस केस में मैं फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए हीलिंग करूँगी। इसी तरीके से हम इस हीलिंग को यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, अपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। एंड सेल्फ हीलिंग इज़ अ सुपर्ब हीलिंग। अगर हमारी खुद की हीलिंग हो जाती है तो हम सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें ही अपने ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं, राइट? सो बेसिकली अब ये जो फॉरगिवनेस प्रेयर है ये हमारा फोर फेजेस पे वर्क करता है। वो फोर फेजेस है हमारे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। मैं रिपीट करती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। बेसिकली इन फोर फेजेस पे ही हमारा ये सेल्फ हीलिंग या फॉरगिवनेस हीलिंग, हमारी प्रेयर जो है ये वर्क करती है। अब हमें इसे यूज़ कैसे करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ आपके अच्छा हो जाए, मतलब ठीक हो जाए, तो उस केस में क्या करना है आपको, आपको अपनी और उनकी पिक्चर्स, जिनसे आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आपको उनकी और अपनी पिक्चर्स को सामने रखना है, ठीक है। रखने के बाद आपको एक मेडिटेट फॉर्म में बैठना है, मेडिटेट करना है फॉर 5 to 10 minutes। 5 से 10 मिनट मेडिटेट करने के बाद उन पिक्चर्स को ध्यान से देखो, आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप उन पिक्चर्स को देखोगे।
देखते देखते अच्छी अच्छी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें सोचनी उनके बारे में, ठीक है। निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, निगेटिव चीज़ें नहीं सोचेंगे हम अवॉइड करेंगे। हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है उनके बारे में। पॉजिटिव सोचते रहते सोचते 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 हम एक ऐसे फीलिंग में आ जाएंगे कि यस वी आर ग्रेटफुल फॉर देम। उसके बाद सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली उनके प्रेयर को स्टार्ट करना है। लाइक उनकी फ़ोटो के सामने वी हैव टू से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। सिंपली इस प्रेयर को आपको उनके साथ शेयर करना है, उनको बोलना है। अगर आप चाहते हो सेल्फ हीलिंग के लिए तो सिंपली आप अपनी पिक्चर्स को सामने रखोगे, अपनी पिक्चर को सामने रखो, मेडिटेट फॉर्म में आओ, मेडिटेट करो, अपने बारे में सोचो, आप क्या हो कैसे अच्छे इंसान हो, कितने प्योर सोल हो आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो। एंड नाउ स्टार्ट द प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपकी मनी ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाए, मनी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, तो आप 10 के 20 के 50 के 100 के 500 के कैसे भी एक नोट को ले लोगे, उसे अपने सामने रखोगे एंड यूनिवर्स को उसके लिए ग्रेटफुल करोगे कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास आज इतने पैसे हैं, थैंक यू मेरे पास इतने पैसे हैं। नाउ सिंपली यू हैव टू से दिस फोर फेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड इसी तरीके से जब आप इस प्रेयर को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करने लगोगे तो आपको खुद को दिखेगा कि कितना ही ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट ये आपको शो कर रहा है। उसी तरीके से अब इसे करना कैसे है, इसे बेसिकली आप रात को सोते समय करो फॉर 21 डेज, मिनिमम आप इसको 21 डेज करो एंड मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट। आप इसे लाइफ टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि लाइफ टाइम आपको हीलिंग, अपनी को हील करोगे आप तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट होती रहेंगी, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए और बहुत सारी टेक्निक को सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब जब वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आप तक पहुँचे और आपकी हेल्प हो सके। तब तक कीजिए अपने से खूब सारा वाला प्यार, रखिए अपना बहुत सारा वाला ध्यान। थैंक यू।